चलिए बात करते हैं देहरादून की, जहां पर संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने हाल ही में एक बैठक आयोजित कर डीजल चलित ऑटो और विक्रम को चरणावार वाहन करने के निर्देश जारी किए थे, जिसमें पहले चरण में 10 साल से अधिक समय के ऑटो और विक्रम को चलन से बाहर किया जाना है। वहीं दूसरे चरण में सभी डीजल चलित ऑटो और विक्रम बाहर किए जाने हैं। हालांकि इसको लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे ऑटो चालकों और विक्रम संचालकों में हड़कंप की स्थिति बन चुकी है। आरटीओ सुनील शर्मा ने आदेश जारी कर भ्रम की इस स्थिति को दूर करने का प्रयास किया। तो वहीं दूसरी ओर सीएनजी अनिवार्यता को लेकर ऑटो चालकों में रोष व्याप्त है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हम भी पहले पेट्रोल पंप लगाओ, कम से कम ऋषि हरिद्वार के बीच में 20 पेट्रोल पंप चाहिए, इतने वाहन हैं, तो एक वाहन एक पेट्रोल पंप से कैसे हो जाएगा। हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको किसी को अगर कैंसर हो गया तो उसका इलाज भी तो होगा ना, या उसकी गर्दन काट देंगे आप कैसे फरमान कर देंगे। जब हाई कोर्ट ने कह दिया कोई आयु सीमा नहीं है, आप हाई कोर्ट से बढ़े, आपने 12 वर्ष 15 वर्ष कैसे लिख दिया, जो हाई कोर्ट ने कहा कि कोई आयु सीमा नहीं है। तो आप हमसे बैठ के बात करिए, हम उससे बात करेंगे आपसे, हम भी सहयोग करेंगे, लेकिन ये जो निर्णय अमान्य है, इस निर्णय को नहीं माना।